अखिलेश ने कहा मोदी वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। मैं उत्तर प्रदेश में आजकल पूछ रहा हूँ कैसी लगी मोदी वैक्सीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने लोगों को वैक्सीन को लेकर गुमराह किया। यही नहीं, उन्होंने गोवा से ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया पर हमला बोला। कोई बोलता था कि इसका ट्रिपल क्लिनिकल ट्रायल हुआ है क्या? लोगों को गुमराह करना, उनमें दहशत पैदा करना, वैक्सीन से घबराहट पैदा करना, ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अखिलेश ने कहा मोदी वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। मैं उत्तर प्रदेश में आजकल पूछ रहा हूं कैसी लगी मोदी वैक्सीन, कैसी लगी बीजेपी का टीका। एक आध दो और टीका लगा दो, अपने आप तुम्हारा भला हो जाएगा, इस बात को समझ लेना। लेकिन ये लोग, एक हमारे आजकल आपके यहां भी घूम रहे हैं, आपसे आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, कहते हैं फॉर्मूला बता दो फॉर्मूला। इनको यही नहीं मालूम कि फॉर्मूला देकर के वैक्सीन पैदा नहीं होती है, वैक्सीन के लिए मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर वैक्सीन पैदा होती है। मित्रों, इन लोगों ने देश को गुमराह करने का काम किया। बहरहाल, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही वैसे एक दूसरे पर पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।